क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खास इवेंट के बारे में? Yeah, really thankful to Brand Vision for this award and recognizing my work in Inside Edge. लोगों को काफ़ी पसंद आई है. At the time जब हमने शुरू किया था तब लोगों को पता नहीं था कि वेब सीरीज़ क्या होती है. Yes. और काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. लेकिन बहुत खुशी होती है कि इट बिकेम सो सक्सेसफुल और हिंदुस्तान का पहला ऐसा कॉन्टेंट जिसे एमी नॉमिनेशन मिला. बहुत एक गर्व महसूस हुआ हम सबको, पूरी टीम को. उसके लिए इस तरह से अवार्ड जीतना, ये अवार्ड मेरी तरफ से एक्सेल को है, फरहान, रितेश, रिचा, करण, अंशुमन, पूरी टीम को है, क्योंकि विक्रांत धवन को बनाने में इन सभी का हाथ है. खास तौर पे वो शेड बहुत ही खास था जब आप किरदार अदा कर रहे थे. अगर बात की जाए तो फीचर फिल्मों की, तो आप हाल ही में बायोपिक के साथ आए थे, काफ़ी पसंद किया गया था, प्यार मिला था, और फिर एक नई शुरुआत हो चुकी है वो भी एक बालाकोट के साथ. तो क्या कुछ उसका कुछ बताया उसके बारे में? बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं. मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अप्रैल का. अप्रैल में कुछ चीज़ें अनाउंस करने वाला हूँ और ज़ोर शोर से धूमधाम से करें और आप लोगों का प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे. फिल्में, डिजिटल सीरीज़, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव इन बॉलीवुड. अगर बात की जाए कुछ अभिनंदन से भी बातचीत हुई थी, कुछ खास तौर पर कुछ जाना जाए, कुछ समझा जाए, क्या कुछ? बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा. सही समय पर ज़रूर इसका जवाब दूंगा मैं. ओके विवेक, थैंक यू सो मच. अवार्ड्स आर नोन फॉर द एप्रिसिएशन. जब यू नो एक्टर्स को एप्रिसिएशन मिलता है बहुत ही अच्छा, उनके लिए एनकरेजमेंट होता है. जी. बट यू नो दिस टाइम फिल्म फेयर को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही बायस रहा है और यू नो फेयर अनफेयर नहीं रहा है, अनफेयर रहा बहुत ही फिल्म फेयर. तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं फिल्म फेयर अवार्ड्स जा नहीं पाया. मैं विदेश था, जब तक मैं आया तब तक अवार्ड्स हो चुके थे. 15 तारीख को शायद थे ना अवार्ड्स, तो बाय द टाइम आई गॉट बैक दे वर ऑलरेडी डन. सो आई डोंट नो मच अबाउट इट. लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटी सी इंडस्ट्री है और हम सभी का एक दूसरे का काम सेलिब्रेट करते हैं. और सेलिब्रेशन का जब तक स्पिरिट और जज्बा जारी रहेगा तब तक ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ेगी. जब हम एक दूसरे के काम से ईर्ष्या करने लगेंगे और एक दूसरे से झगड़ा करने लगेंगे कि मेरी पिक्चर ज़्यादा अच्छी थी या तुम्हारी पिक्चर ज़्यादा अच्छी थी, तो आई थिंक उसमें एक इंडस्ट्री और एक ब्रदरहुड और एक फैमिली की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं मिट जाएगी. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आई होप जिस परिवार को हमने, हमारे सीनियर्स ने, मेरे फादर के जनरेशन, उनके सीनियर के जनरेशन ने इतने सालों से बरकरार रखा है, उस फ्लैग को हम भी थोड़ा सा जारी रखें. Thank you so much. Thank you, Jay. Sure. Here. Yeah.